हेलो गाइस, आज हम कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। आपको सबसे पहले लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अपने मॉडल का फोटो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको लाइट वाले टूल में जाना है। लाइट वाले टूल में जाना, एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देना है। एक्सपोजर को बढ़ाने के बाद हाईलाइट को माइनस कर देना है। उसके बाद फिर शैडो को बढ़ा देना है, वाइट को माइनस कर देना है, इसके बाद ब्लैक को भी थोड़ा सा माइनस कर देना है। इसके बाद आपको कलर्स वाले टूल में जाना है। कलर्स वाले टूल में जाने के वाइब्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है। थोड़ा सा बढ़ाने के बाद मिक्स वाले टूल में जाना है। मिक्स वाले टूल में जाने के बाद आपको ग्रीन वाले कलर्स में जाना है। इसके बाद ह्यू को पूरा माइनस कर देना है, सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसके बाद येलो वाले टूल में जाना है, ह्यू को पूरा माइनस कर देना है और ये सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसके बाद ब्लू वाले टूल में जाने के बाद सेचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देना है और ह्यू को माइनस कर देना है। इसके बाद जो ब्लू वाले हैं उसको माइनस कर देना है और सेचुरेशन को बढ़ा देना है। इसके बाद जो ऑरेंज वाला है उसको थोड़ा सा माइनस कर देना है। इसके बाद इसे प्लस कर देना है। इसके बाद इसे एक फोटो को सेव कर लेना है। ये फोटो को सेव कर अच्छी तरह सेव करने के बाद सेव करना है। इसके बाद सेव करने के बाद आपको ये फोटो को यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फिर से ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद जो फोटो अभी आपने एडिट किया था वो फोटो को ऐड कर लेना है। फोटो को ऐड करने के बाद इस फोटो को फिर से ऐड करने के बाद ये कलर्स वाले टूल में जाना है। इसके बाद मिक्स वाले टूल में जाना है। इसके बाद येलो वाले को पूरा थोड़ा सा माइनस कर देना है, ये सेचुरेशन को बढ़ा देना है। इसके बाद ग्रीन वाले टूल में जाना है, ये ह्यू को पूरा माइनस कर देना है और ये थोड़ा बढ़ा देना है। इसके बाद इसे प्लस कर देना है, इसे माइनस कर देना है। इसके बाद फिर सेचुरेशन को थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस रहने दीजिए। इसके बाद इसे डन करके वाइब्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है। वाइब्रेशन को थोड़ा सा बढ़ाने के बाद ऑरेंज वाले कलर में जाना है। लुमिनस को थोड़ा बढ़ा देना, सेचुरेशन को थोड़ा माइनस कर देना। इसके बाद ह्यू को अच्छी तरह से आप एडजस्टमेंट करना है। अच्छी तरह से एडजस्टमेंट के बाद इसे डन कर देना है। इसके बाद आपको ये वाले टूल में जाना है। इसके बाद क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है, विंटेक को माइनस कर देना है। इसके बाद फिर ये दूसरे वाले टूल में जाना है। इसके बाद सेपरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है, नॉइज रेजोल्यूशन को थोड़ा सा बढ़ा, फिर कलर नॉइज रेजोल्यूशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है। ये फोटो को सेव कर लेना है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।